जांगड़ के चैनल को सब्सक्राइब करने के रेड बटन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। क्या जियो ने अपने कस्टमर के साथ किया धोखा? क्या जियो के नियमों से लोगों को परेशान होना चाहिए? आगे देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। मैं पंकज जांगड़, आप देख रहे हैं टेक्निकल जांगड़। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैंने जियो के बहुत वीडियो देखे यूट्यूब पे, जिसके अंदर लिखा था जियो स्कैम, जियो ने धोखा दिया यूजर को। बट आज मैं इस बार मामले में बात करूंगा कि जियो ने वाकई में लोगों को धोखा दिया या नहीं दिया। सबसे फर्स्ट, जियो ने आपको 6 मंथ तक कंटिन्यू 4G नेट दिया था बिल्कुल फ्री। उसके बाद जियो ने स्टार्ट किया एक रिचार्ज प्लान 99 रुपीज का। उसके बाद जियो ने एक नया मोबाइल लॉन्च किया जो 1500 रुपए का था। उसके अंदर ही पहले से डिसाइड था कि 153 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। बट उस टाइम ये नहीं जरूरी था कि आपको कंपलसरी ये कराना। बट जियो ने अब जो सिस्टम ये किया है कि जियो में आपको वो रिचार्ज कराना ही पड़ेगा 1500 रुपए का साल का। दोस्तों, अंबानी जी का चाहना ये है कि जियो का जो मोबाइल है उसी यूजर के हाथ में जाए जिसको इसकी जरूरत हो, यानी वह व्यक्ति इसको ना रखे जिसको इसकी जरूरत नहीं हो। एक्सटर्नल तौर पे इस मोबाइल को कोई भी ना रखे। अगर ये मोबाइल, इसकी एक लिमिटेशन की है, जैसे 60 लाख मोबाइल लिमिट है इसकी कि ये इतने ही सेल होंगे, इतने ही यूजर को दिए जाएंगे, तो 60 लाख उन्हीं के पास जाए जिनकी जरूरत हो। और सेकंड हमें बात करते हैं धोखे की, तो जियो ने ऐसा कोई धोखा नहीं। फर्स्ट चीज ये है कि जियो कोई गवर्नमेंट नहीं है, जियो एक बिजनेस है। हमारे जी अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वो पैसे कमाने के लिए चला रहे हैं, बिना पैसे के कमाने के लिए ये बिजनेस नहीं चला रहे हैं। तो ये कोई भी स्कैम नहीं है। सबसे फर्स्ट ये बात करते हैं। तो लोगों के मैंने वीडियो ये देखे जिसके अंदर लोग कह रहे हैं जियो ने दिया धोखा, सब फेक है, ऐसे कुछ नहीं है। जियो अगर धोखा ही देता तो आपको इतने दिन तक फ्री नेट नहीं देता। और जियो के आने से कितनी कंपनीज का जो कॉल रेट है, जो नेट प्राइस है, कितना डाउन हो गया है, वो जियो के कारण हुआ है। अदरवाइज आज से बात करते हैं, जब जियो आने से पहले 1GB 1 महीने तक चलता था और आज 1GB 1 दिन में खत्म होता है। तो देख लीजिए जियो के आने से कितना फायदा है। जियो के आने से फायदा ही हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है। बस ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे साथ एग्री हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप मेरे साथ एग्री है या नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।